मैं आपको शेल डिज़ाइन बताऊंगी जिसके लिए हम 6 के मल्टीपल्स में स्टिचेस डालेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मल्टीपल्स ऑफ 6 + 1 हम डाल दे रहे हैं। और अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3 मैंने एक्स्ट्रा चेन लिया और हमने इस वाले में, इसके फर्स्ट वाले में ही हम डालेंगे और इस पे हम 1, 2 एंड 3 थ्री टाइम हम क्या कर रहे हैं, डबल क्रोकेट निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चेन स्किप करेंगे, 1 एंड 2, देखिए 1 एंड 2, फिर थर्ड वाले में हम सिंगल क्रोकेट बना लेंगे। उसके बाद फिर हम 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हम 5 डबल क्रोकेट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद फिर हम 2 स्किप करेंगे, 1 2, थर्ड वाले में हम सिंगल क्रोकेट बना लेंगे। फिर हम देखें ये 1 2 बचा, थर्ड स्किप करके यहाँ पे हम फिर थर्ड वाले में बनाएंगे 5 डबल क्रोकेट, 1 2 3 4 एंड 5 ये मैंने बना लिया 5 डबल क्रोकेट। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के टर्न कर दे रहे हैं। देखिए टर्न करके ये जो अब हम ये फर्स्ट वाले में 3 टाइम्स डबल क्रोकेट बनाएंगे, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तब बनाया था, 1 2 3 सेम वही है, बस जहाँ हम सिंगल करते हैं वहाँ हम अब 5 डबल क्रोकेट बनाएंगे। देखिए ये, और इसके बाद जो हमने 1 2 3 थर्ड वाले में डालेंगे और इसे हम सिंगल क्रोकेट के द्वारा लॉक कर देंगे। ये बहुत ही इजी शेल डिज़ाइन है। अब हम जो सिंगल क्रोकेट है उसके अंदर 5 डबल क्रोकेट बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर हम ये जो हमारे पास 5 हैं डबल क्रोकेट उसके थर्ड वाले में डालकर सिंगल क्रोकेट बना देंगे। उसके बाद ये जो हमने सिंगल क्रोकेट बनाया उसमें फिर हम 5 अपने सेकेंड रो में जो सिंगल क्रोकेट है वहीं हमें 5 डबल क्रोकेट बनाना है। और हमेशा 2 रोज पैटर्न है, इसे रेगुलर दोहराते हुए अपनी पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखिए ये मैंने 3, 4 एंड 5 बनाया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 डबल क्रोकेट है उसके थर्ड वाले पे हम एक सिंगल क्रोकेट बना लेंगे। ये अब ये हमने बनाया, फिर हम 1 2 3 चेन डालेंगे, 3 चेन डालकर अगर हमें कलर चेंज करना है तो हमें दूसरे कलर का यूज़ करना होगा। मैं आपको दूसरा कलर यूज़ करके बता रही हूँ, यहीं से हम खोल दे रहे हैं ये और यहीं हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे।
देखिए मैंने ये नॉट बनाया है और इस नॉट को हम इसके अंदर से डाल के इसे 1, 2 एंड 3 चेन बनाएंगे और इस पिंक वाले को खींच ले रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसके जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वही हम 1, 2 और 3 डबल क्रोकेट बनाएंगे। जब भी हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट से तब हमें 3 डबल क्रोकेट हमेशा बनाते रहना है। देखिए यहाँ हम स्टार्ट किए तब बनाए, यहाँ स्टार्ट किए तब, और अब हम इस वाले में 1, 2 स्किप करके 3rd वाले में सिंगल क्रोकेट। ये 2 रोज़ पैटर्न है, इसे हमें रेगुलर 2 रोज़ दोहराते रहना। ये जो देखिए सिंगल है वहाँ हम 5 बनाएंगे। बनाते हुए हम अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ये ब्लैंकेट वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, स्वेटर्स बना सकते हैं, कार्डिगन्स, बच्चों के फ्रॉक। अगर आपको हमारा ये पैटर्न पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।